यहाँ पर हुमा ड्राइविंग टेस्ट दे रही है और लोग एक कोन गिराते हैं। हुमा ने यहाँ पर सारी कोन्स गिरा दी और सब लड़के इकट्ठे हो गए। हुमा में तो अच्छी खासी क्लास लग गई है, पूरी दुनिया देख रही है। हमारे हाथ में टब है, टब ये पौधा खान है। पौधा खान है, मैं पतीला खान हूँ, दरिया खान गया हुआ है नमाज पढ़ने। ये कितनी टोपियाँ लेनी है, कितने लोगों को पहनानी है टोपियाँ? मैं ना फूड कलर डालूंगी अब इस पिंक टी में, क्योंकि इसका रंग बिल्कुल भी पिंक नहीं है। कह रहा ये जो कश्मीरी चाय है इसका रंग ही नहीं निकला, अम्मी को ना पता चल जाए मेरी चाय का रंग नहीं निकला। इधर समोसे बन रहे हैं, समोसे नहीं बन रहे, दुपट्टे रंग रहे हैं, दुपट्टे। हर जगह खाना नजर आता है, हर जगह खाना नजर आता है। ये इसकी भी खुशबू सूंघ लो, खुशबू का नशा कर रही है। हुमा को इतना शौक है सिर्फ सूंघने का, आज उसने फाड़ दिया ये पैकेट, फाड़ के सूंघा इसने ये पैकेट। मैं दिया की शॉपिंग होने वाली है शादी की, तो हम लोग यहाँ आए हैं कजन्स वगैरह के साथ, तो देखते हैं अभी क्या लेते हैं शादी की शॉपिंग के लिए। मुझे इतने स्टिकर्स इनके पसंद है लेकिन वो सारे खत्म हुए हैं। जो चीज़ मुझे पसंद आती खत्म हो जाती है, अब लड़का भी पसंद आएगा लगता है वो भी मार्केट से खत्म हो जाएगा। ये सस्ती जहाँ पे चीजें मिलती हैं? हाँ जी, ये सस्ता खान है। सस्ता खान है? हाँ जी यार, किस्म की वैरायटी पड़ी है। अच्छा, इस दुकान का नाम सस्ता खान है। दरिया खान भी बैठा है? दरिया खान ही बैठा है। तो फिर पौधा खान किधर है? पौधा खान ये कराओ, ये पौधा खान है। पौधा खान है, मैं पतीला खान हूँ, दरिया खान गया हुआ है नमाज पढ़ने। सर की टोपी वो पड़ी है, ये टोपी आप टोपी पहनाते हो, लोगों को टोपियां पहनाते हो? अच्छा, ये कितनी टोपियां लेनी है, कितने लोगों को पहनानी है टोपियां? टोपियां पहना रहे हैं सबको। ये क्या क्या पसंद कर लिया तुमने? अच्छा, तो हुमा कहीं जाए सेफ्टी पिन लेती है हुमा हर वक्त। ये हुमा की ना शॉपिंग होगी और वो खुश होगी, इसको टिप मिल गई है 100 रुपये। हुमा दिखाओ तुमने, हुमा 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 बड़ी तेज से चल रही है शादी जो जैसे हुमा की खुद। आज हुमा ने और मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया क्योंकि हम दोनों की पॉकेट मनी ख़त्म हो गई थी। अब मैं घर आके मैगी नूडल्स खा रही हूँ और हुमा का ड्राइविंग टेस्ट है और टेंशन में वो पता नहीं क्या कुछ खाई जा रही है। अब हम जाते हैं ड्राइविंग टेस्ट पे और देखते हैं हुमा क्या कमाल करती है। हुमा मेरे सामने बहुत कंफ्यूज हो रही थी और मैं इधर आ गई हूँ, उसने ऐसी कोन्स गिराई हैं, ये देखे सब देख रहे हैं हुमा को। सार्जेंट अंकल ने बहुत कोऑपरेट किया है मगर हुमा ने तहस नहस कर दिया इस ड्राइविंग टेस्ट का। टेस्ट हो रहा है बहुत मुश्किल। अभी घर पे मेहमान आ गए और हुआ क्या है कि मैंने बनाई है कश्मीरी चाय जिसको पिंक टी भी कहते हैं, लेकिन मसला ये हुआ है ना, ये हर किस पिंक कलर नहीं निकाल रही, तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं ना फूड कलर डालूंगी अब इस पिंक टी में, क्योंकि इसका रंग बिल्कुल भी पिंक नहीं है। ये मैं यहाँ से फूड कलर ढूंढती हूँ, ये क्या है, ये फूड कलर है किसका? ये तो है, किस कलर का है? ये तो एप्पल ग्रीन है, ग्रीन रंग की चाय थोड़ी ना बनानी है, बेकिंग पाउडर है। पहला मेहमान आ गया और फूड कलर मिल नहीं रहा पिंक टी में। ये कौन सा फूड कलर है? ये है ब्राइट रेड, ये डालती हूँ पिंक टी में। अब इसका रंग कैसे निकलेगा? रंग नहीं निकला, ये हल्का सा पिंक रंग है, ये इनफ नहीं है ना। नहीं, मैं करती हूँ इसको डालती हूँ। आपकी भी अगर पिंक टी जो कश्मीरी चाय उसमें रंग ना ना हो तो आप ना ये डाल लें। अब ये कितना डालें मुझे? ये हो गया जी पिंक टी। और मेहमानों से कहूँगी, वाह मैं मेहमानों से कहूँगी मैंने बनाया, पर ये तो लाल नहीं हो गया? सही है, मेहमानों को ये चाय दूंगी और उनसे कहूँगी कि मेरे बनाने का अंदाज़ कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त और कड़क है। ये तेल क्यों आ रहा है? उफ, इस कप में तेल था पहले से। ये लाज मेरी किस्मत को क्या हो गया और जरा। चलो फिलहाल मेहमानों को जाके चाय देती हूँ, मज़े की भी है। मज़े की तो बहुत है। मैं ये चाय वापस लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक और जुगाड़ आया है कि इसको लाइट पिंक बनाने के लिए ना इसमें दूध डालती हूँ। और वाह, ये देखिए अब हुई ना कश्मीरी चाय का रंग। बस अब क्या है, इसको हिलाना है और पिलाना है। जी हाँ, ये है मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन। जैसे कि हम अपने कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते हैं ना, उस तरह से ये भी प्रेजेंटेशन है।
अभी अजीबोगरीब वाकया हुआ है। ये कोई आम बोतल नहीं है, ये फसादी बोतल है। ये अच्छे खासे लोगों के बीच में लड़ाई करा सकती है। हुआ ये कि मेहमान का एक बच्चा आके किचन में खेल रहा था, और हुआ ये कि ना उनका बच्चा गिरा है और उसकी अम्मी को लगा बच्चे का खून निकल आया है। तो वो समझिए बच्चे का खून है, जबकि ये कलर है। मैं उनको कैसे बताऊँ आंटी कि ये कलर है? ये खून नहीं, ये कलर है, कलर। अब मैं भी चुप हूँ, वो हॉस्पिटल लेकर गई है बच्ची को। उसके होंठ से खून निकल रहा था थोड़ा थोड़ा। ये सीढ़ियाँ रुकी हुई हैं, वो वाली चल रही है, और हुमा को लग रहा है कि ये सीढ़ी चल रही है और ये रुक के इंतज़ार कर रही है। हुमा, वो वाली सीढ़ियाँ जो चल रही हैं, ये वाली चल रही हैं सीढ़ियाँ। तो मैं इधर वेट करी हुमा। हुमा, आप लोगों को पता है कि कुछ चावलों के आटे के ऊपर वेजिटेबल राइस बनी होती है, कुछ के ऊपर बिरयानी और कुछ के ऊपर पुलाव बना होता है। इसके पीछे क्या वजह है? और ये जर्दा बना हुआ, और हुमा ने बताया कि इसके पीछे वजह ये है कि जो पेशावरी चावल है उसके ज़्यादातर जर्दा और ज़ाफरानी चावल बनते हैं। हुमा को इतना शौक़ है सिर्फ सुनने का। इसमें इसकी भी खुशबू सुनिए, इसकी भी, और इसकी खुशबू नहीं आती। इसने फाड़ लिया ये पैकेट, फाड़ के सूंघ गया इसने ये पैकेट। इसकी भी खुशबू सूंघ लो, इसकी खुशबू कैसी है? टाइट की भी खुशबू सूंघनी है। ये इसकी भी खुशबू सूंघ लो, खुशबू का नशा कर रही है। रिन का नशा कर रही है, रिन की भी खुशबू सूंघ लो। ए बी सी कितने गया सी, जिंदगी ते मजे लैन पप गया सी। हुमा के दिमाग की मोमबत्ती ऑन हो गई है। मैंने कहा था इल्म की रोशनी हासिल करो, उसने ये रोशनी हासिल की है। देखो हुमा ने क्या खरीदा है, पूरे के पूरे मेट्रो में हम लोग ये टब खरीद कर आ रहे हैं। हुमा को नहाने की जल्दी पड़ी हुई है। आधी रात का टाइम है और मैंने सोचा कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने लिए भी रख लूँ, और अब मैं ये चाय और ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी। गुड नाइट।